तो फ्रेंड्स, आज हम हक्का नूडल्स बनाने जा रहे हैं, जो शादियों में बहुत ही अच्छे बने होते हैं या मार्केट से हम लेके आते हैं। तो उसके लिए मैंने ये हक्का नूडल्स ले लिए हैं, एक पैकेट बनाएंगे। तो सबसे पहले हमने एक पैन में पानी गर्म कर लेना है, 1.5 गिलास के करीब हमने पानी डाल के इसको गर्म करना है। इसमें आधे चम्मच के करीब मैंने नमक डाल देना है। 1 चम्मच के करीब हम इसमें ऑयल डाल देंगे, कुकिंग ऑयल कोई भी सा भी आप डाल सकते हो। इसको भी गर्म होने देते हैं। पानी बॉयल हो चुका है हमारा, हम नूडल्स डाल देंगे। बहुत पतली ये सेमियां की तरह होती है, नूडल्स बहुत अच्छी बन के रेडी हो जाती हैं। बच्चे इसको बहुत पसंद करते हैं। खौलते पानी में हम डाल देंगे इनको, दूसरा भी ये ऐसे ही डाल देंगे। अच्छी तरह से इसको बॉयल होने देते हैं। तो जब तक ये नूडल्स हमारी बॉयल होती हैं, तब तक हम सब्जियों की चॉपिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, सब्जियों की कटिंग हो चुकी है, अब हम नूडल्स देख लेते हैं। तो नूडल्स अच्छी तरह से हमारी बॉयल हो चुकी हैं, अब इनको हमने छान लेना है और ठंडे पानी में डाल देना है। पैन में हमने कुकिंग ऑयल गर्म कर लेना है, कुकिंग ऑयल ले लेंगे थोड़ा सा। हमने ऑयल गर्म हो चुका है, सबसे पहले हमने अनियन डाल देने हैं। अब शिमला मिर्च डाल देंगे, हरी मिर्च भी डाल देते हैं। इसको ज्यादा नहीं पकाना, हम अभी इसमें मसाले डाल देंगे। सबसे पहले इसमें जाएगा जिंजर गार्लिक पेस्ट, रेड चिली पाउडर, नमक, काली मिर्च। अब हम नूडल्स डाल देंगे इसमें थोड़ी थोड़ी करके। मिक्स कर लेंगे, थोड़ी सी सोया सॉस डाल देंगे। तो ये नूडल्स हमारी बनके बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं, तो अब हम इनको सर्व कर देते हैं। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।